डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड फाइल बनेगी उसके लिए ये मटेरियल रहेगा। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसका जो फर्स्ट पेज कंटेंट वाला बनता है उसमें आप इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ TLM, पर्पज ऑफ यूजिंग TLM, टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, मैप्स, चार्ट्स, पोस्टर, मॉडल्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट स्लाइड्स, ऑडियो मटेरियल, ऑडियो विजुअल मीडियम, प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रॉम अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कलेक्शन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ TLM, कलेक्शन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ से आप कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कम से कम आपको एक या डेढ़ पेज की इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो आप यहाँ से हेल्प लेकर लिख सकते हैं। कोई पिक्चर अगर आपने पेस्ट करनी है तो वो पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो यहाँ से आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम भी आप अपनी फाइल के अंदर बना सकते हैं ताकि आपकी जो फाइल है वो अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद पर्पज ऑफ यूजिंग TLM, तो यूजिंग TLM को मतलब आप जब यूज कर रहे हो तो क्या उद्देश्य आपके होते हैं, तो यहाँ से आप ये उद्देश्य ले सकते हैं। इसके बाद आप डायग्राम बना सकते हैं, ये आपके पर्पजेज ऑफ TLM यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। फिर हमें एक एक, जैसे इसमें ऑडियो है तो ऑडियो का एक्सप्लेन करना है, विजुअल है विजुअल का एक्सप्लेन करना है, ऑडियो विजुअल है तो ऑडियो विजुअल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको ये नहीं है भाई सारा का सारा ही मतलब एज इट इज लिखना है, आप पढ़कर कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी आप लिख सकते हैं। बस अपनी जो फाइल है वो कम से कम 20-25 पेज की बने तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से मटेरियल ले लेना है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके हिसाब से जैसे मैप का दिखा रखा है तो आप कोई भी मार्केट से मैप लेके और वो भी अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहेगा, जो भी उसके टाइप्स रहेंगे, तो वो आप उससे रिलेटेड मार्केट से पिक्चर लेके अपनी फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। जैसे चार्ट्स हैं तो चार्ट से रिलेटेड हो जाएगा, फिर चार्ट के जो आगे चार्ट्स के जो प्रयोग हैं या उसके जो टाइप्स हैं वो आप इसमें लिखेंगे। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो ये टॉपिक है आपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर भी इसके क्वेश्चन याद किया होगा, तो उसके हिसाब से ही आपने ये करना है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शनल एड्स वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी में से ही बनता है। फिर आप जैसे मान लो मॉडल्स हैं तो मॉडल से रिलेटेड आप यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपने जब बीएड सेकंड ईयर के अंदर टीच करने के लिए आओगे तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बीएड सेकंड ईयर के अंदर आपको जब स्टूडेंट्स आपके सामने क्लासरूम में बैठे होंगे तो आपको उनको पढ़ाकर भी बताना होगा। तो जब आप उनको पढ़ाओगे तो कोई ना कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप बना के लेके आओगे, चाहे उसमें चार्ट ला सकते हो, चाहे रियल ऑब्जेक्टिव ला सकते हो, चाहे मॉडल ला सकते हो, जो आपको अपने टॉपिक को क्लियर करने में मदद करेगा। ये जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में आपने लिखना है। उसके बाद में पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग OHP स्लाइड्स, स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना है वो सारा यहाँ पे है। पावर पॉइंट स्लाइड, ये आपने कुछ बच्चों ने बनाई भी होगी, मैं भी वीडियो जैसे बनाता हूँ तो उसमें पावर पॉइंट स्लाइड बनाता हूँ। उसके बाद ऑडियो मटेरियल आ जाता है, ऑडियो मटेरियल में आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ऑडियो में रेडियो आ गया तो रेडियो की कोई भी पिक्चर मार्केट से लेके न्यूज़पेपर में कटिंग भी कर सकते हो आप, तो वहाँ से भी इसको करोगे। इस तरह से आप ये ऑडियो एड आ गए।
फिर ऑडियो विजुअल में जैसे हमारा टेलीविज़न आ जाता है, सीडी डीवीडी आ जाती हैं, ये सारा का सारा हमारा ऑडियो विजुअल में आता है जहाँ जो हमें सुनाई और दिखाई भी दे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी मतलब लो कॉस्ट जिसमें कॉस्ट कम लगे, तो ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हमें प्रिपेयर करनी होती हैं या बच्चों को हम बताते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके अपने फाइल के अंदर लिख सकते हैं और कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल लो कॉस्ट आप बना सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कलेक्शन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ TLM। देखिए बनाना आसान हो जाता है लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको कैसे संभाल कर रखे, मेंटेनेंस क्या है, वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप लिख सकते हैं। आपको 20 से 25 पेज का आपने ये पूरा फाइल आपकी बनेगी और ये फाइल आप इतनी बना सकते हैं। और कोशिश करना आपकी जो फाइल है वो अट्रैक्टिव बने, क्योंकि जितनी अच्छी फाइल बनाओगे उसके अंदर जितनी अच्छी राइटिंग लिखोगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई फाइल प्रिपेयर करो तो उस फाइल के अंदर आपने रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था आप लोगों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक टॉपिक, और ये फाइल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बने उसका आपने प्रयास करना है। थैंक यू।